बिजार गाय ये छोड़ दी जंगलों में फिर खत्ते खत्ते हम क्या खाएंगे, उन्हें खाएंगे मोदी को खाएंगे। हिंदी जो अभी कुछ करा जावे मोदी को हम वोट उठ कुछ नहीं देने का। कौन सा आज यहाँ पर योगेश वर्मा जी मंत्री जी सपा से जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं आपके यहाँ पर पहुँचे थे, तो क्या कहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स मिला है आपको? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा और यहाँ दलित और जाट बहुत आयत में है पूरे क्षेत्र में, और अगर पिछला रिजल्ट आप उठा के देखेंगे तो शाहिद मंजूर जी यहाँ से लड़ते रहे हैं और इन्हें हमने हमेशा जिता के यहाँ से भेजा। तो ये रेस्पॉन्स हमारा रहेगा सभी का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनीता वर्मा जी की मदद करें, और ख़ास तौर से लेडी कैंडिडेट हैं तो हम तो देवी की तरह सम्मान करते हैं किसी भी स्त्री का, जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, तो हम तो उस हिसाब से और दुगनी मदद करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? शिवराज सिंह। आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह जी। जिस तरह से यहाँ पर आज गठबंधन की कैंडिडेट आई हुई हैं जी, क्या कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। साइकिल को वोट देंगे। क्या क्या चीज मुद्दे? हमारे मंत्री जी थे पहले शाहिद मंजूर जी थे, और उसके बाद में हमारे योगेश वर्मा जी आए हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम सरपंच चौधरी है, पूरा सपोर्ट करेंगे। जी जान से बात की, अस्सी समाज की मुसलमान समाज की। शाहिद मंजूर जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, सबके काम करते हैं, और सब इनके सदस्य, इन्होंने टिकट दिलाया और वर्मा जी को वोट देंगे। वर्मा जी को भी वोट देंगे। मैं जाट समाज से जाट समाज की 50% और आज भी यही बात, 90% वोट, और मुस्लिम समाज क्योंकि साइकिल पे वोट जाएंगे तो जितने पड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकार से परेशान है क्योंकि इनसे हम पहले से जुड़े हुए हैं। नस्लों खा गए बिजार और नस्लों खा गए रणवीर। नौकरी कहीं मिलनी नहीं, नौकरी कहीं नहीं मिल रही। बालकों की नौकरी मिलिट्री में चले जाते, बालक 4 साल की कर दी, नौकरी खत्म होगी। महंगाई चरम सीमा पे है, इतनी महंगाई कभी जिंदगी में देखी आज तक। जिस तरह से लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, कौन सी पार्टी है, गठबंधन है, उधर मोदी जी हैं, इधर ऐसा है सब, हाँ, किसको वोट देना? सर मैं बताऊं बात जी, बुड्ढा आदमी हूँ मैं, तो ये बालक ने नहीं बता देंगे। हाँ, लेकिन बालक नन्नों के साथ आप जो सरकार रही, हाँ ये बताइए, आप उससे खुश हैं? जिस तरह से उसने सुविधाएं दी, उसको आपको कुछ फायदा हुआ, क्या खुश हैं आप उसके? अभी पिल्सन कौन दे रहा है? रखा वो गायों के बारे में बता ही रहे हैं, खेत चुक जा फार्म में रह में सरकारी, तो नुकसान ही नुकसान है। हमारे गांव का जो विकास हुआ मायावती की सरकार में, हमारे रोड का भी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे ओमकारी ये हमारे छोटे मोटे बच्चे कंपनी से काट दिए, नौकरियों से काट दिए, बड़ बड़ों को तो नौकरी दे रहा, यादव को दे रहा, सबको दे रहा, हमारे दलितों के बच्चे कुछ फिर रहे हैं, ये ऐसे फिरेंगे हमारे बच्चे? क्या खामेंगे ये बच्चे जब सड़कों पर फिरेंगे वो आवारा? इनकी जो अभी तक कुछ करा जावे मोदी को हम वोट उठ कुछ नहीं देने का। कौन सा गाँव है? ललशाना। ऐसे हमारे बच्चे बेचारे ऐसे ऐसे फिर रहे, ना काम ना रोजगार, सब रास्ते बंद, बिजार गाय ये छोड़ दी जंगलों में, फिर खत्ते खत्ते हम क्या खाएंगे, उन्हें खाएंगे मोदी को खाएंगे हम? तेल गैस बिजली कितना महंगा कर दिया? नहीं नु बताओ मोदी को खाएंगे? बिल पे 5,000 हो जा, गद के बिल काट जा, 5,000 हो जा, गद के बिल काट के ले जा। बस हमारे तो समस्या हमारे बच्चों को लगना चाहिए, कहीं कंपनी खुलवाओ, रोजगार और क्या रोजगार चाहिए, हमें भी चाहिए, जब हम क्या खाएंगे जब हम ही ना करेंगे कुछ काम, हमें भी रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए। अच्छा मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, राशन दे रहा है 5 किलो गेहूं में क्या हो रहा, 2 बाजरा और देर लगा दुनिया को मारने के लिए, बाजरा भर रहा देखो, खाओ बाजरा, गला सड़ा बाजरा कद कद का, नो बताओ क्या खाओगे बच्चे हमारे।